हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा, पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आप सभी फ्रेंड्स का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसी हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी फ्रेंड्स ठीक होंगी और मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि, और शिवरात्रि की सभी फ्रेंड्स को ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो आज है फ्रेंड्स महाशिवरात्रि, 18 फरवरी, और दिन है शनिवार का। अपने आप में एक अद्भुत संयोग, शनिवार प्लस महाशिवरात्रि, उसके बाद भी है आज प्रदोष। तो आज प्रदोष भी है, शिवरात्रि भी है, शनिवार भी है। अपने आप में बहुत ही खूबसूरत दिन है आज, और जितना पूजा पाठ हम कर सकें, दान पुण्य हम कर सकें, आज के दिन हमें करना चाहिए, और वो मैं करूंगी और आप सब भी करेंगी अपने अपने रीति रिवाज से। सभी भगवान शिव की पूजा आज करेंगे, मैं भी करूंगी। तो ब्लॉग स्टार्ट है, पसंद आए तो लाइक करिएगा, लाइक जरूर करके जाइएगा। फ्रेंड्स लाइक बहुत कम करते हैं, लाइक करिएगा और फुल वॉच देखकर सपोर्ट करिएगा। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट मैंने ब्रश कर और गुड़ वाली ब्लैक चाय पिए, दूध वाली नहीं। दूध जो है भगवान शंकर को भी चढ़ेगा, उसके बाद ही हम चाय दूध की पी पाएंगे, उससे पहले नहीं पीती हूँ मैं। तो यहाँ मेरा कुछ खास तैयारी हो गया है पूजा पाठ का, ये मिठाई फल, और ये हमारे यहाँ बेलपत्र बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी थी जिसको मैंने इस तरीके से पानी में रखा हुआ है। तो अभी जिस काम शुरू ही किया है मैंने पूजा पाठ की तैयारी मेरी, और बस किचन काउंटर वगैरह सारा मेरा साफ़ सुथरा मैं कर ली हूँ, चाय वगैरह मैं पी ली हूँ। और हस्बैंड अभी आए हैं ऑफिस से, तो पिछले साल तो हम सभी गए थे, नहीं पिछले साल हस्बैंड ड्यूटी गए थे, शाम को गए थे, और इस बार अभी ड्यूटी से आए हैं, नाइट ड्यूटी चल रही है। तो कह रहे हैं मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं चलूँ नहाऊँ धोऊँ, और सच बात है जो रात भर नाइट में जग कर काम करे तो फिर वो व्यक्ति सवेरे भगवान की आराधना तो नहीं कर पाएगा। तो कोई नहीं, मैं हूँ, मैं करूँगी। तो हस्बैंड अभी फ्रेश हो रहे हैं, फ्रेश होकर वो अपने गुड़ चना खाएंगे, व्रत वो नहीं रहेंगे, व्रत मैं रहूँगी, और ये गुड़ चना भिगो रखी हूँ, तो ये चने वो खाएंगे अभी गुड़ के साथ। इसको धोकर तैयार करके रख देती हूँ मैं, क्योंकि वो फ्रेश होकर ब्रश कर खाएंगे। और बेड साफ़ सुथरा कर दी हूँ मैं, बेदू सो रही है, तो बस अब उसके बाद साथ मतलब हस्बैंड भी मेरे अब सो ही जाएंगे गुड़ चने खाकर। और उसके बाद मेरे को अब करना है झाड़ू पोछा, और झाड़ू पोछा कर फटाक से रेडी होना है, और फिर करना है घर में पूजा, और फिर चलना है मंदिर, आज मंदिर भी चलना है, भगवान शिव के दर्शन आज हम मंदिर में करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए, ज़्यादा बातें ना करते हुए काम करने शुरू कर देती हूँ मैं। ज़्यादा काम नहीं है, झाड़ू पोछा बस, और उसके बाद नहाना धोना है, कपड़े वगैरह तो बाद में मशीन में धोऊँगी। तो चलिए लग जाती हूँ फटाफट अपने घर के काम में। महाशिवरात्रि का दिन है, सुबह सुबह मॉर्निंग से ही मैं लग गई हूँ अपने घर के साफ़ सफाई के काम में। और हमारा तो डेली का ही है, चाहे व्रत हो, चाहे पूजा हो, चाहे उपास हो, जो भी हो, हमारे काम तो कहीं बंद हुए नहीं है, ना कभी होंगे, सब करना ही पड़ता है हम हाउसवाइफ को। तो बस सबसे पहले मैंने जो है देखिए अपने पूजा पाठ का तैयारी किया, फल फूल सारी सामान अच्छे से धोकर रख दी हूँ, और अब मैं बर्तन धो रही हूँ पूजा के। और पूजा के बर्तन धोने के बाद फिर जो है मैं अभी लगूँगी अपने घर की साफ़ सफाई में। तो मॉर्निंग की साफ़ सफाई करूँगी फटाफट से, ये देखिए धुल गए बर्तन, और अब चलिए कर लेते हैं सारी साफ़ सफाई। तो पहले सारा ये सब हटाऊँगी, झाड़ूंगी, डस्टिंग करूँगी पहले, और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करूँगी। पहले कभी कई बार ना फ्रेंड्स मैं पहले झाड़ू कर लेती हूँ बाद में डस्टिंग करती हूँ, पर ज़्यादातर मैं बाद पहले ही डस्टिंग करती हूँ। बेड वगैरह की सेटिंग वगैरह हो गई, ये सब तो पहले ही करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने अगला बेड साफ़ कर दिया, और अब फ्रिज साफ़ कर दूँगी, और रोज़ डेली फ्रिज को मैं इस तरीके से साफ़ करती हूँ डेली, और डेली ही शाम होते होते अगला दिन होते होते फ्रिज पर इतनी चीज़ें हो जाती है ना, हम ही रखते हैं और हम ही हटाते हैं, फिर सुबह हटाती हूँ, जगह से साफ़ करती हूँ, शाम तक फिर भर जाता है। तो चलिए वो तो हमारा काम है ही, करना ही है। तो फ्रिज साफ़ सुथरा करने के बाद, और यहाँ मैं अपना वॉश एरिया, वॉश मशीन एरिया और शीशा वगैरह साफ़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स ये मैं आज दिखा रही हूँ, मतलब कभी कभी दिखाती हूँ, लेकिन वॉश मशीन जो है वो मैं डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो एकदम किचन के साइड से ही है ये मेरे वॉश मशीन ना, तो इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है और डेली ही करती हूँ मैं, तो एक दिन भी नहीं गेप जाता है। बस वो साफ़ किया, शीशे वगैरह साफ़ कर फिर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो सारे कमरे का मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, और अभी जो आज शनिवार है तो मेरा मतलब बाहर नहीं, मुझे साफ करना है, तो मैं अपना कचरा अपना घर में ही सुपड़ी में उठाकर बाल्टी में डस्टबिन में डाल लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं लगा लूँगी सारे घर का देखिए पोछा। तो बस सुबह
और पूछा फ्रेंड्स जो है मैं वाइपर से ही लगा रही हूँ, देख सकते हो आप लोग, क्योंकि घर इतना गंदा नहीं होता है कि मैं मतलब बैठकर लगाऊं, वाइपर से ही मैं तो पोछा लगाती हूँ और वाइपर से भी काफ़ी अच्छा पोछा लग जाता है। और आप मेरे पैर में जो ये स्लीपर देख रहे हैं ना, ये गर्म स्लीपर है, ये इस स्लीपर को फ्रेंड्स ना करीबन करीबन तीसरी ठंड है ये, मतलब 2 साल पूरे हो गए हैं, तीसरी सर्दी है ये। इतनी बढ़िया स्लीपर है ना ये, गर्म गर्म, और पैर में बिल्कुल सॉक्स की ज़रूरत नहीं है। तो आजकल मेरे पैरों में ना खुजली सी हो रही है, तो मैं सॉक्स नहीं पहन पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये गर्म स्लीपर पहनना शुरू कर दिया है। और बहुत पुरानी है ये स्लीपर मेरी, लेकिन लंबा चल रही है। और अब उसके बाद फिर सफाई के बाद वापस सब ठीक ठाक कर दिया मैंने, और बेदू को दिखा रही थी मैं आप सभी को, बेदू पापा के पास बैठ के खेल रही थी और हस्बैंड तो मेरे सो रहे हैं। और मैं नहा धो ली हूँ, नहा धोकर आ गई हूँ अपने घर के मंदिर में, तो कर रही हूँ पूजा। और देखिए महाशिवरात्रि की बहुत सिंपल तरीके से पूजा करी है फ्रेंड्स मैंने, जैसे हमेशा से करती हूँ। तो ये देखिए घर के मंदिर में छोटे से बाउल में मैंने बेर, मौसम के फल, बेर, आजकल बेर का सीजन है, और बेर, और उसके बाद फूल, भांग और बेलपत्र भगवान शिव को मैंने लगा बाउल में छोटे से मैं चढ़ा दिया, और घी का दीपक, धूप, और ये रही बेलपत्र। तो बस इस तरीके से एकदम छोटा सा सिंपल सा पूजा मैंने अपने घर के मंदिर में, अपने घर के जो भगवान महादेव हैं उनकी पूजा करी। और उसके बाद ये देखिए मैं अब सजा दी हूँ अपनी थाली, तो अब मैं जाऊँगी मंदिर। और करते ही करते फ्रेंड्स ना 9 बज गया था, तो ये देखिए दूभा में बांध रही थी गणेश भगवान की, क्योंकि बिना गणेश भगवान की पूजा के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। तो पहले गणेश भगवान की पूजा करूंगी, फिर गौरा माता का, तो उनका श्रृंगार भी ले लिया है मैंने, क्योंकि आज तो विशेष भगवान शिव और गौरा पार्वती का मतलब दिन है। तो कुछ इस तरीके का देखिए मेरा महाशिवरात्रि का थाली, इसमें मिठाई, फूल, फल, सारी चीज़ें, और सारा मतलब शहद, चावल, अक्षत जो होते हैं, और माता रानी का सुहाग का सामान, सारा से ही मतलब थाल भर गया था मेरी। तो फिर मैंने अलग से भी टिफ़िन में पानी लिया है, और जो है अलग से फूल बेलपत्र सब मैंने पोलोथीन में लिया था, तो इतना सामान हो गया था कि फ़ोन कहाँ ले जाती, तो फिर फ़ोन में नहीं ले गई थी फ्रेंड्स। और मैं चली गई थी मंदिर, और मंदिर से इस वक्त मैं आ चुकी हूँ भगवान का पूजन करके। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, शिवरात्रि के दिन तो हर मंदिर में भीड़ होती है, क्योंकि शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है यहाँ कुंवारे बच्चे से लेकर शादीशुदा से लेकर सभी पूजा करते हैं आज के दिन, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस पूजा पाठ कर कर आने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद की क्लिप है, फटाफट बना रही हूँ मैं अब खाना। तो आज खाने में आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाऊँगी बिना लहसुन प्याज की, क्योंकि मेरा फास्ट है, तो बिल्कुल लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करूँगी मैं, और ना मैं खाना तो नहीं खाऊँगी हस्बैंड के लिए, बेदू के लिए बना रही हूँ, तो पर लहसुन का प्याज का आज के दिन मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी, ना काटूँगी ना छूँगी। तो पचफोरन के साथ मैंने आलू और गोभी को छोंक दिया है, और ये सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। और साथ में ये देखिए मैं आटा लगाऊँगी, पूड़ी का आटा लगाऊँगी, तो आज इन लोगों के लिए बनाऊँगी मैं सूखी सब्ज़ी आलू गोभी की, और जो है नमकीन पूड़ी, अजवाइन और काला जीरा जो होता है उसके साथ। तो यहाँ मेरा गोभी आलू भुन गया था, तो मैं डाल दी इसमें थोड़े से मसाले, ज़्यादा नहीं, बस हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, बस यही मसाले डाले थे मैंने इसमें, थोड़ा सा मैंने बाद में मैगी मसाला डाल दिया था। तो ये सब्ज़ी मेरी हो गई है, देखिए धनिया पत्ता डाल देती हूँ और इसे मैं कर दूँगी मिक्स, तो ये सब्ज़ी हो जाएगी। फिर कढ़ाई साफ कर कर इसी कढ़ाई में मैं बना लूँगी पूड़ियाँ। तो इन लोगों के खाने की होगी तैयारी, और अब मेरा भी सुबह से बस 1 कप मैंने ब्लैक चाय ली थी, और अभी तक कुछ नहीं लिया, अभी करीबन 11 ही बज रहे होंगे, तो फटाफट से मैं बनाऊँगी अपने लिए जूस, अपने लिए क्या मतलब थोड़ा थोड़ा सभी पियेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे पास अभी पपाया था और बनाना था, तो इसी का मैं जूस बनाऊंगी, हेल्दी सा जूस जो कि फुल एनर्जी देगा, क्योंकि पूरे दिन काम करना ही है, रेस्ट तो बिल्कुल मिलना नहीं है, भले व्रत है और शिवरात्रि है, देखिए त्यौहार के दिन तो एक्स्ट्रा ही काम हो जाते हैं, और वही मेरे साथ होता है त्यौहार के दिन, तो और मेरे को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। तो बस वो सब काटने के बाद फ्रेंड्स मैं रख दी हूँ, और मैं अभी बना रही हूँ हस्बैंड के लिए देखिए पूरी सब्जी हो गई थी, उसके बाद फिर कढ़ाई साफ कर कर उसी कढ़ाई में देखिए मैं बना रही हूँ पूड़ी, क्योंकि हस्बैंड भी अभी कुछ खाए नहीं है, वो चने खाकर ही सो गए थे। तो बेदू तो अपना प्रोटीन पाउडर ले ली है, पर फिर भी अभी इस टाइम समय तक लंच या नाश्ता कुछ भी तो ज़रूरी है, क्योंकि 11 के आसपास का टाइम था ये, तो फटाफट पूड़ी बना देती हूँ, तो इन लोगों का लंच नाश्ता सब यही हो जाएगा, खा लेंगे ये लोग। तो ये देखिए सब्जी मेरी आलू गोभी की सूखी सब्जी, और ये रही गर्मा गर्म पूड़ी। तो हस्बैंड को मैं उठा लाई हूँ, जगा दी हूँ, मतलब कि नाश्ता कर लो, खा लो पी लो फिर सोना। तो ये देखिए बैठे हैं, तब इनको दे दूँगी, और इन्हीं के साथ में बेदू भी खा लेगी, तो इनका खाना पीना हो रहा है इधर। और अब इधर मैं अपना जो है इनको पानी दे देती हूँ, और इसके बाद फिर मैं अपना जो है जूस बना लूँगी, तो फिर मैं भी जूस ले लूँगी। तो कुछ इस तरीके से ही जो है महाशिवरात्रि के दिन भी अपने कामों को मैनेज किया, और मैं क्या हर हाउसवाइफ अपने
त्यौहार तीज भी मनाती हैं और साथ में अपने परिवार को भी संभालती हैं। वही काम मेरा भी है, मैं भी वही कर रही हूँ, कुछ नया तो इसमें है नहीं। हर हाउसवाइफ करती हैं, मैं भी कर रही हूँ। यहाँ देखिए जूस की तैयारी भी हो गई। जूस में मैंने पपाया और बनाने में मैंने मिल्क डाल दिया था और चीनी, और उसके बाद फिर मैंने इसे पीस लिया। मौसम थोड़ा सा ठंडा गर्म है तो इसमें मैंने बर्फ़ नहीं डाला, वरना बर्फ़ डालकर तो क्या मज़ा आता है, इसको पीने में बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों के लिए तो बहुत ही स्पेशल होता है ये। और बस ये शेक मैंने पी लिया था, हमने सबने, बहुत टेस्टी था और फुल एनर्जी के साथ। देखिए मैं लग गई हूँ, कपड़े लगा दिए थे तो वो भी धुल गए, हस्बैंड अभी वापस खा पी कर सो चुके हैं और बेदू वहीं खेल रही है उनके साथ ही बैठकर, और मेरे कपड़े निकल गए हैं तो अब मैं जाती हूँ कपड़े छत पे डाल कर आऊँगी और उसके बाद आकर जो बच्चे कुचे काम है वो निपटाऊँगी मैं। तो फिर ब्लॉग नहीं की थी मैं, क्योंकि कितना बड़ा ब्लॉग करती फ्रेंड्स, और आज सॉरी ऑलरेडी काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है मेरा, जबकि मेरा ब्लॉग जो है 10 मिनट के अंदर का होता है, पर आज जो है 12 मिनट से ऊपर का ब्लॉग है। प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा, बहुत काटने के बाद इतना छोटा कर पाई हूँ मैं। तो ये शाम की क्लिप है, प्रदोष काल का समय हो गया है क्योंकि है आज प्रदोष भी, तो मैं प्रदोष काल में ही जा रही हूँ देखिए मंदिर, और मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ में है। ये देखिए ये मॉर्निंग में नहीं गई थी, सबका अपना अपना रीति रिवाज है, इनका मॉर्निंग में नहीं पूजा करते होंगे, शाम को करते होंगे। तो ये देखिए शाम को आई थी मेरे पास, तो हम जा रहे हैं मंदिर, बेदू भी रेडी है, हम भी रेडी हैं, चलते हैं मंदिर। तो फ्रेंड्स बस हस्बैंड लगा लेंगे ताला, और हस्बैंड भी थे मेरे साथ में, पर बिल्कुल हमें मुझे टाइम नहीं मिला कि हम मतलब ब्लॉग ले लें, थोड़ा सा शूट कर लें, साथ हैं वो। देखिए मैं हम आगे अपने जो है मंदिर में, और ये रहे हमारे महादेव। देखिए कितना सुंदर श्रृंगार इनका किया गया है, शाम को बहुत सुंदर श्रृंगार किया गया था। और ये जो भगवान शंकर का मंदिर है हमारे यहाँ मेन रोड पर है, तो बस आ गए हैं मंदिर, और थोड़ा सा यहाँ भजन कीर्तन चल रहा था, बहुत अच्छा भजन था, डर के मारे मैंने ना म्यूट कर दिया है, क्योंकि आजकल बिना वजह ही कॉपीराइट आ है, इस वजह से मैंने तो बिल्कुल बंद ही कर दिया था आवाज़ को। और उसके बाद मैं फिर पूजा पाठ कर भगवान शनि का पीपल का दिया लगाया, भगवान शिव का पूजन कर थोड़ा सा वहाँ पर जो है मंदिर में भजन हो रहे थे तो बैठी थी। फिर हम आ गए थे घर, घर आकर शाम का पूजा पाठ हो चुका है, और अभी मैं बना रही हूँ नमकीन खिचड़ी, साबूदाने वाली खिचड़ी, तो इसको भी मैं जो है सादे नमक में बनाऊँगी। पूरा दिन मैं बिना नमक के रही हूँ फ्रेंड्स, सिर्फ जूस पर और चाय पर ही मैं रही हूँ, मतलब दिन में कुछ नमक का नहीं खाया था, लेकिन इस वक्त में फ्रेंड जो 12 घंटे कंप्लीट हो गए हैं, तो अब शाम के वक्त में फ्रेंड्स साबूदाने खा लेती हूँ, आलू अब मैं साबूदाना बना लेती हूँ। ये देखिए दिन की सब्जी रखी है और दोबारा पूड़ी बना दी, और इसमें रखे हैं राइस, तो ये हस्बैंड का और बेदू का फिर से हो जाएगा। और ये देखिए मेरा साबूदाना का खिचड़ी बन गया है, तो यहाँ देखिए भगवान को भोग लगा देती हूँ मैं, दिया तो मैं शाम को लगा दी थी और अब मैं भोग लगाऊंगी। तो पेड़ा बोल रही हूँ, पेठे जो होते हैं ना वाइट पेठे वो, और साबूदाने की खिचड़ी का देखिए मैं भोग लगा दी हूँ। शाम के समय में भगवान का मंदिर फिर से साफ़ किया था मैंने, क्योंकि सुबह काफ़ी कुछ चढ़ाया था। और ये देखिए हमारी प्लेट, हस्बैंड की, मेरी, और बेदू भी इसमें ही से खा लेगी हस्बैंड के साथ। तो अब इस वीडियो को एंड करती हूँ, बस यहीं तक ब्लॉग किया था। प्लीज़ ब्लॉग को फुल वॉच देकर सपोर्ट करें, और आज आप सब भी खिचड़ी खा लीजिए, मिलती है अच्छे से वीडियो के साथ। ये रही अम्मी खिचड़ी।